उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के पास निजार खान नाम के एक शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। निजार खान को वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया और जब निजार खान से पुलिस ने पूछताछ की तो निजार खान ने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति ने जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसमें उसने मुकदमा भी दर्ज कराया है। लेकिन जांच अधिकारी मोहित कुमार आरोपियों का साथ दे रहे हैं और उसे 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। जब उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और शिकायत करने की बात कही तो जांच अधिकारी मोहित कुमार पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता को किसी भी झूठे मामले में जेल भेजने की धमकी दी है, जिस पर अब वो एसएसपी मुरादाबाद के ऑफिस में पेट्रोल साथ लेकर आत्मदाह करने पहुंच गया था। फिलहाल पुलिस अधिकारी निजार खान के मामले में दर्ज मुकदमे में जांच रिपोर्ट मंगाकर उसे पूरा न्याय दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अगवानपुर क्षेत्र में रहने वाले निजार खान ने अपने साथ 13 लाख रुपए की जमीन दिलाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। निजार खान का आरोप है कि जांच अधिकारी उसके मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आरोपियों से हमसाज है। इसके साथ ही निजार खान ने आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी मोहित कुमार उससे 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। जब उसने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से करने की बात मोहित कुमार से कही तो निजार खान का कहना है कि मोहित कुमार ने उसे किसी भी झूठे मामले में जेल भेजने की धमकी दी है। आज वह सब तरफ से निराश हो गया और एसएसपी कार्यालय पर पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने पहुंच गया। निजार खान के आत्मदाह करने की धमकी की जानकारी मुरादाबाद पुलिस और एलआईओ को पहले से ही थी। जैसे ही आज एसएसपी ऑफिस के बाहर निजार खान ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला, वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे थाना सिविल लाइन लेकर जाया गया। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक अमित आनंद का कहना है कि वक्त रहते निजार खान को आत्मदाह करने से रोक लिया गया है और अब उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमित आनंद के मुताबिक अब वे निजार खान द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच रिपोर्ट तलब कर रहे हैं और जल्द ही निजार खान को कानून के नियमों के अनुसार न्याय मिलेगा। फर्जी गवाह लगा कर मेरे मुकदमे में फाल लगा दी और मेरे असली गवाह को नहीं पूछा। मोहित कुमार दरोगा जी ने जो चौकी अगवानपुर में तैनात है और मैं दर्द की ठोकर खा लिया, बर्बाद हो चुका हूँ और मुझसे कह रहे कि 40,000 रुपये दे दे, मैं तो एक शपथ पत्र दे दे और सारे अधिकारियों को मैं अवगत करा चुका हूँ। सब कुछ काम द्वारा चौदह लाख 76,000 रुपये का मैंने अमृत जी से पिलौट लिया था, जिला बीमा जेल की काटा संख्या 199 में समझे और भी मैंने पिलौट लिया। तो आज आपने क्या करा? मैं जीना नहीं चाहता, मैं उस तरह तक आ गया। तो अभी आपने एसएसपी कार्यालय पर क्या करा? एसएसपी कार्यालय में मैंने अपने अंतिम नतीजा समाप्त करने के लिए काम किया क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। मट्टे का तेल डाला था आपने? मैंने पेट्रोल डाला था। पेट्रोल डाला? हाँ पेट्रोल डाला हमने। इससे पहले भी शिकायत की किसी से? शिकायत करी, सबको रजिस्ट्री भेजी, सब कुछ झूठ नहीं बोलता। सुनवाई हुई आपकी कहीं? ना मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई हो रही होगी, अधिकारी कार्रवाई कर रहे होंगे कि ना कर रहे होंगे, लेकिन अधिकारी तो था। लेकिन जो है अगवानपुर में चौकी में जो दरोगा जी है मोहित कुमार, वो सारी कार्रवाई को व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया। क्या मामला है पूरा सर? ये पुलिस ऑफिस के सामने एक व्यक्ति ने अपने ऊपर तेल छिड़का था, मौके पे पुलिस बल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया और तुरंत उसे जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। ऐसे वहाँ पे कोई भी आग वाली कोई बात नहीं थी, उसे जो उसके पास तेल था उसे हटा लिया गया था। इस संबंध में पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी की जा रही है, क्या इस कारण से इसने प्रकार की घटना करी, अभी इसके बारे में जानकारी करके आपको अवगत कराया जाएगा।